आइए हम बात करते हैं कहाँ कहाँ से लोग आए हैं। भैया कहाँ से आए हैं, परिचय बताइए पहले। जी मेरा नाम हेमंत कुमार केवट है। कैसा लग रहा है, टीवी में आप लोग देख रहे थे महाराज को साक्षात दर्शन हो रहे हैं, उनकी कथा सुन रहे हैं, आप लोग कैसा अनुभव है? बहुत अच्छा आनंद हो रहा है, बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा है इतने लोगों की भीड़ में। हमें खुशी है कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी आए अनुराधा जी। जी दीदी में बात करते हैं, दीदी क्या कहेंगे आप, पहले परिचय बताइए। मेरा नाम करिश्मा केवट है। कैसा लग रहा है, आपका बहुत अच्छा लग रहा है। कब से सुन रहे हैं महाराज जी को? बहुत सालों से। हाँ कुछ कुछ अभी हर दिन आते हैं आप लोग, प्रत्येक दिन कथा होती है? नहीं बहुत दूर से है तो नहीं आ पाती। उनसे बात करेंगे। आंटी जी पहले परिचय बताइए, कहाँ से आए आप लोग? बुढ़ियारी, एक तो नगर बुढ़ियारी। यही आप लोग प्रॉपर बुढ़ियारी हैं? रोज देखते हैं, लेकिन आप हमको महाराज को पास से देखना था इसलिए आए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। तो प्रत्येक दिन आप लोग आ रहे हैं कथा सुनने? जी आज पहला बार है। पहला दिन? अच्छा। और पूरा परिवार आता है आप लोग? नहीं हमारी बहू है, नहीं परिवार नहीं आया कोई। मैं इनकी बहू हूँ रश्मि त्रिवेदी। बहुत अच्छा लगा महाराज जी को सामने से सुन के, बहुत अच्छा अनुभव रहा हमारा, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद की अनुभूति हुई उनको सामने से देखकर। तो भैया जी आए नहीं? भैया जी कहाँ हैं? वो ड्यूटी में हैं। ड्यूटी में कहाँ हैं? आ रहा है। तो कहाँ से आप लोग, परिचय बता दीजिए। हम लोग रायपुर से ही हैं, ये संता कॉलोनी के हैं। हम लोग समता कॉलोनी गायत्री मंदिर के, हम गुढ़ियारी से हैं। हम लोग गुढ़ियारी के हैं, महेश कॉलोनी का। हाँ एक नंबर। कहाँ से? महेश कॉलोनी से। सब महेश कॉलोनी। यहाँ बहुत अच्छा लगा आने से, गुरु जी की कथा बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। साक्षात देखना ज्यादा अच्छा लगा। अच्छा लगा से? नहीं एकदम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा अनुरोध आचार्य का। आप बताइए दीदी कैसा था अनुभव? बहुत अच्छा लगा आने से, एकदम मन को शांति मिली, बहुत अच्छा। कब से सुन रहे महाराज जी की कथा आप? हम लोग साल दो साल से। जी दो साल से हम लोग, साल दो साल से। उनको चार साल हो गए, हम लोग गुरु जी का कथा करवा चुके हैं भाटापारा में। और राधे राधे। बहुत अच्छा, हमारे कल्पना के बाहर हो गई ये बात। और बहुत अच्छा लगा कि संत हमारे शहर में पधारे हैं, और बहुत आगे भी ऐसे होता रहे, हमारी यही इच्छा है। पूरी पूरा परिवार आया है मतलब? जी जी हमारा पूरा तीन दिन से आ रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। तो महाराज जी को कब से सुन रहे हैं आप लोग? पहले दिन से ही, मतलब टीवी में भी सुनते रहते हैं। साल तो ज़्यादा नहीं, दो साल हुए। हम वृंदावन में गए थे, इनके आश्रम गए थे, तो दर्शन नहीं हुए। दास गया था वहाँ पर, गए थे अपन, मतलब वहाँ लंगर नहीं सके, चल रहा था, माताएं वहाँ बैठी थी, उन्होंने अच्छी सराहना की इनकी, बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके, और जाने की इच्छा है। आप क्या कहेंगे आंटी, बताइए थोड़ा कैसा था अनुभव? अति सुंदर, जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकते, बहुत सुंदर। असल में हमको इच्छा जब जागृति, जब हम उनके वृंदावन गए थे ना, तो आश्रम में गए ना, जिन जिन माताओं को रखा हुआ है ना, उनको देख के इनसे मिलने की मेरे को इच्छा हुई। वैसे मैं कभी भी, मेरे लाइफ का पहला सत्संग है जो मैं अटेंड कर रही हूँ और कंटिन्यू आई हूँ मैं। अपना अपना भाग्य है, जो श्रद्धा मन में रखता है ना वो पहुँच पाता है कैसे भी। मेरा नाम लालेश्वरी पटेल है, मैं गुढ़ियारी रायपुर से आई। यही राजधानी रायपुर से ही आप लोग? हाँ। बहुत अच्छा लगा महाराज जी आए, महाराज जी के चरणों में तो पहले मेरे सादर सादर प्रणाम है। और ना ऐसे लग रहा है जैसे वृंदावन खुद यहाँ आके, मतलब हम लोग को दर्शन दे रहे हैं, ऐसे टाइप का महाराज जी आए हैं तो हम लोग को लग रहा है। तो पूरी परिवार आया है आप लोग का? हाँ पूरे परिवार है, मेरी सासू माँ हैं, मेरी डेढ़ सास जी हैं, मेरी भांजी हैं, सब। कब से सुन रहे दीदी आप लोग महाराज जी की कथा, कितने साल हो गए? वो तो नहीं बता सकते, अनगिनत है। क्या कहेंगे आज महाराज जी का, लगातार कथा सुन रहे हैं, कैसा रहा अनुभव आपका? महाराज जी तो इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, अगर उसको कोई मन से ले तो उतर जाएगा। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ सही में वृंदावन आ गया, साक्षात वृंदावन का, साक्षात वृंदावन का दर्शन हो रहा है। पहले परिचय एक बार आंटी बता दीजिए आपका। मैं कमला सिंह गढ़वाल, गुढ़ियारी पहाड़ी चौक रायपुर से हूँ, हाउस वाइफ हूँ, और मैं आज अपनी बहू रानी को लेके आई हूँ साथ में, पड़ोसी हैं। फिर भी बहुत अच्छा, उनको लग रहा था कि मैं जा पाऊंगी कि नहीं, पर आज वो भी बहुत अच्छा महसूस कर रही हैं। दीदी क्या कहेंगे, आपका कैसा था अनुभव आज, सुने आपका था? मैं अंजलि चौरसिया गुड़ियारी से। मेरे को ना बहुत इच्छा थी कि गुरु महाराज जी के प्रवचन सुनने का, तो मैं ना बहुत इच्छा थी, तो मैं बोली बुआ से चलूंगी आज, जरूर चलूंगी। बहुत अच्छा लगा सुन के।